नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े नए अपडेट को लेकर हाजिर हूं मैं आपके पास। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली खबर प्योर ईवी के साथ जुड़ी हुई है। हैदराबाद से जुड़ी हुई इस इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी स्टार्टअप के द्वारा अपना एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया गया है, जिसको एंट्रेस न्यू का नाम दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.5 किलोवाट की पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जो एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 90 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है। कंपनी के द्वारा इस स्कूटर में 4 इंच का LCD डैशबोर्ड लगाया गया है। इसके अलावा इस स्कूटर के फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक जबकि रियर टायर में ड्रम ब्रेक दी गई है। कंपनी के द्वारा इस स्कूटर की कीमत 75,999 रुपीज़ रखी गई है। कंपनी भारत में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की डिमांड को देखते हुए लगभग 2 लाख स्क्वेयर किलोमीटर का एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रही है, जिसको ये 2021 के आखिर तक शुरू किया जा सकता है। अगली खबर होंडा की इलेक्ट्रिक कार होंडा ई के साथ जुड़ी हुई है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जर्मनी की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का जहां पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा है, जबकि इस साल जर्मनी कार ऑफ द ईयर का अवार्ड जापानीज कार होंडा ई को दिया गया है। ई जे अवार्ड पाने वाली जापान की सबसे पहली कार बन गई है। जर्मनी की कार ऑफ ईयर का अवार्ड जर्मनी की ही एक कार जर्नलिस्ट की जूरी के द्वारा दिया जाता है। हम इस कार के ऊपर पहले ही एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना चुके हैं, जिसको आप ऊपर दिए आई लिंक पे जाकर देख सकते हैं। अगली खबर हिंडुई की इलेक्ट्रिक कार हिंडुई मिस्टा के साथ जुड़ी हुई है। हिंडुई के द्वारा ग्वांगजो मोटर शो में अपनी इलेक्ट्रिक कार हिंडुई मिस्ट्रा के न्यू अपडेट को शोकेस किया गया है। कंपनी के द्वारा अपनी इस इलेक्ट्रिक कार को चाइना में ही सेल किया जाता है। कंपनी के द्वारा इस कार के अपडेटेड वेरिएंट में क्रेटा इंस्पायर्ड फ्रंट लुक दिया गया है। इसकी ड्राइविंग रेंज को भी 520 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। इस नई अपडेटेड कार में क्रेटा से इंस्पायर्ड फ्रंट लुक को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर इस कार के इंटीरियर की बात करें तो कंपनी के द्वारा इस कार में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है। अलावा इस कार में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। हिंडई चाइना में इस कार के इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अलावा इंटरनल कंबस्टन इंजन के साथ भी सेल कर रही है। इस कार के इलेक्ट्रिक वेरिएंट में 56.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जो एक बार फुल चार्ज करने पर 520 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है। इस कार में लगाई गई मोटर 180 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। हमारी अगली खबर जैगुआर लैंड रोवर की इलेक्ट्रिक कार आईपेस इलेक्ट्रिक की इंडिया लॉन्चिंग के साथ जुड़ी हुई है। जैगुआर लैंड रोवर के द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक कार आईपेस इलेक्ट्रिक को भारत में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए इस कार की बुकिंग को शुरू कर दिया गया है। इसकी डिलीवरी अगले साल मार्च 2021 से शुरू होने की संभावना है। जैगुआर आईपेस में लगभग 90 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जो इसकी ट्विन मोटर से लगभग 400 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करती है। इस शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इस कार को लगभग 200 किलोमीटर टॉप स्पीड के साथ चलाया जा सकता है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर स्पीड लेने के लिए 4.8 सेकंड का समय लेती है। इस कार की बैटरी को 7.4 किलोवाट की एसी वॉल चार्जर के साथ चार्ज किया जा सकता है। कंपनी इस कार को लगभग 5 ईयर की सर्विस पैकेज के साथ 5 ईयर की रोड साइड असिस्टेंस भी दे रही है। को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जैगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है। इसके कारण इस इलेक्ट्रिक कार को टाटा के चार्जिंग नेटवर्क के ऊपर भी चार्ज किया जा सकता है। भारत में लॉन्च होने से पहले ये कार काफी सारे अवार्ड जीत चुकी है। इसको पिछले साल वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।